नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता है कि जो कसौली वाली वीडियो है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और ये उसका दूसरा पार्ट है, क्योंकि जो ओवरऑल वीडियो थी वो काफ़ी लंबी हो रही थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स 25 या 30 मिनट तक बैठे रहें, इसलिए ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन दबाएँ और पहला पार्ट देखें, तभी आपको दूसरा पार्ट का मतलब समझ आएगा और आप इसको ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे। थैंक यू, एन्जॉय दिस पार्ट टू। ये है कसौली का मार्केट, काफ़ी ओल्ड स्कूल और क्लासिक है। ये हैं जी मेजर ध्यानचंद, इट्स लाइक द मेन चौक। और ये है अपर माल रोड का रास्ता। तो इस साइड मैं एक्चुअली गया नहीं हूँ। तो यहाँ पर है गिलबर्ट हाउस, गार्डन हाउस, हॉलिडे होम, सनसेट पॉइंट। ओके, यहाँ पर भी मैं गया हुआ हूँ जब मैं अपने कॉलेज में क्लास वाले फ्रेंड्स के साथ आया था, तब हम लोग यहाँ पर गए थे, आई रिमेम्बर। तो वापस जाते वक्त यहाँ से कार ले जाएंगे और थोड़ा बहुत व्लॉग में भी दिखा देंगे। और ये नीचे वाला रास्ता है, ये नीचे मार्केट की साइड ही जा रहा है। तो जो ये ऊपर वाला मार्केट है, इट्स लाइक ये छोटा मार्केट है, यहाँ ज़्यादा नहीं है। बट जो नीचे दिख रहा है दैट इज़ लाइक द मेन मार्केट। यहाँ हमने जलेबी भी खाई थी। सो दिस इज़ द एंट्री फॉर द ओल्ड मार्केट और हेरिटेज मार्केट कसौली। व्हीकल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड, सो वी विल बी टेकिंग दिस वे। मेरा जो छाता है वो थोड़ा ऑकवर्डली थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। ये एक्चुअली दो से तीन लोगों का छाता है और अभी तक मैं कम से कम 6-7 लोगों में ऑलरेडी इसको बम्प कर चुका हूँ। दिस लुक्स अ नाइस कैफे। सो काफ़ी छोटा सा और सुंदर सा टाउन है कसौली। सो इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेस फॉर स्टेकेशन। मतलब आप आओ इधर कोई रिजॉर्ट में रहो और मस्त आराम करो। शाम को थोड़ी देर, आधा एक घंटा आओ बाजार में घूमो, डिनर करो, लंच करो, थोड़ा सनसेट पॉइंट घूमो प्रिटी मच। और मोस्टली जो फोकस्ड चीज़ होगी दैट वुड बी रेस्टिंग। सो ग्रेट प्लेस फॉर स्टेकेशन इफ़ यू आर इन दिल्ली और चंडीगढ़। ग्रेट व्यूज़, क्लीन, स्मॉल, पीसफुल।
जैसा कैफ़े या रेस्टोरेंट मैं ढूंढ रहा था वैसा कुछ मिला नहीं, तो अभी मार्केट में ही कहीं बैठ जाऊंगा और कुछ भी खा लेंगे और फिर निकलेंगे। फाइनली मैं रुका हूँ कसौली कैफे इन हिल्स में और मैंने ऑर्डर करे हैं एक प्लेट चिकन मोमोज, उसके साथ मिली है चिली सॉस, टोमेटो केचप और मेयोनीज, और मोमोज का टेस्ट जो है वो काफ़ी सही है। खर्चा हो चुका है 120 के मोमो और 20 रुपए की पानी की बोतल लेके वापस चला हूँ गाड़ी की ओर, और अब मैं जाऊँगा अपर माल रोड की साइड, तो मिलते हैं अपर माल रोड पर अगर कुछ अच्छा हुआ दिखाने के लिए। तो स्वागत है फिर और एक बार। तो जो प्लान था अपर माल रोड पर जाने का वो हो गया है फ्लॉप, क्योंकि ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती, ये सिर्फ जो लोकल लोग हैं कसौली के उनकी गाड़ियाँ, और जो ऊपर ब्रिगेडियर कर्नल उनके रिलेटिव्स उनके जानकार आते हैं उनकी गाड़ियाँ जाने देते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मेरी लोकल गाड़ी है और मुझे ऊपर ब्रिगेडियर से मिलने जाना है, तो बोला कि आप ब्रिगेडियर से फ़ोन करा दीजिए और मैं आपको जाने दूँगा। तो मैंने उसको बोला भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, लोकल गाड़ी है तो जाने दे यार, मेरे को ऊपर तक होके आना है। बोला ऊपर तक जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है और जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो फिर उसने कहा इससे अच्छा है आप अपने मत ही जाओ, खामखा ऊपर जाओगे परेशान होगे, तो आप बाकी आपकी मर्जी है, पैदल जाना है तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, आप फ़ोन करा दो ब्रिगेडियर से कर्नल से या कोई और भी तो मैं आपको जाने दूंगा, या कोई लोकल बंदा। तो अभी ये तीनों का अपने पास कोई जुगाड़ था ही नहीं, ना कोई लोकल बंदा था, ना ब्रिगेडियर से जानकारी, ना कर्नल से जानकारी, यहाँ तो सिपाही से भी जानकारी नहीं है। तो फिर मैं वापस आ गया, तो जो 100 रुपए की पर्ची कटनी थी पार्किंग की, मैंने उससे बात की कि भाई इसमें तो कुछ कर दे, तो फिर उसने 100 की पर्ची की जगह 50 रुपये में ही काम चला दिया। तो इस ट्रिप का टोटल खर्चा हुआ 190 रुपये, 20 का पानी, 50 की पार्किंग और 120 के चिकन मोमोज। तेल नहीं लगा रहा क्योंकि आई थिंक ये घर से होगा मे बी 50-60 किलोमीटर राउंड ट्रिप, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली ट्रिप रही। तो बस अभी निकलते हैं वापस घर की ओर, वही सेम रास्ता होगा तो मैं डेफिनेटली वही चीज़ दिखा के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, अंटिल और अनलेस कुछ अच्छा है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो डेफिनेटली रोकूंगा। मिलते हैं कुछ देर में। एक छोटा सा ब्रेक जस्ट टू शो यू दिस फैबुलस व्यू व्हाइल गोइंग बैक। ये कोई रिजॉर्ट है, बहुत सही। इफ़ यू आर कमिंग यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ स्टेइंग हियर, क्योंकि यहाँ से जो व्यू है वो बहुत सही है। एंड या थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। जब मैं आ रहा था ना तब उस टाइम ये वाली लेन बंद कर रखी थी क्योंकि ये पत्थर रोड तक गिर गए थे, तो अभी जेसीबी गई है और उसने ये क्लियर कर दिया। तो जब मैं आ रहा था तब दोनों ट्रैफिक राइट वाली लेन से चल रहे थे। समय आ गया है इस वीडियो को ख़त्म करने का। मैं पहुंच चुका हूं सोलन, और सोलन में इतने बादल नहीं हैं, तो हम वीडियो ख़त्म करें उससे पहले मैं आपको ये एक सोलन की व्यू दिखाना चाहूँगा। ये है सोलन शहर, ये है फैंटम हिल, वो है करोल का टीबा, ये है हाईवे, और ये है सोलन का हाफ पार्ट, आधा पहाड़ी के उस साइड है जो हमें शिमला वाली साइड से दिखेगा, इस साइड से नहीं। और जो आप लास्ट वीडियो में देख चुके हैं शिमला वाली वीडियो में, तो बस यही है, कुछ खास नहीं। तो करते हैं इस वीडियो का अंत। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ा आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो,
और शेयर करो ताकि और ज़्यादा लोग जुड़ें और मज़ा आए, मोटिवेशन मिले, अच्छी वीडियोस बनती रहें। यस, आज का दिन काफ़ी सही था। काफ़ी टाइम मैं कसौली में बैठा रहा ऐसे ही वादियों में, अपने आप में अकेला। सोलो ट्रैवलिंग का यही फ़ायदा है, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। कोई चल रहा है वेल एंड गुड, कोई नहीं चल रहा तो आपका प्लान कैंसिल नहीं होगा। मैंने कुछ दोस्तों से पूछा था कि इफ़ दे वांट टू कम, बट क्योंकि कल राखी है तो एवरीबडी गॉट प्लान्स, तो कोई आ नहीं पाया। बट मुझे करना था तो मैं अकेला ही आया, घूमा फिरा। नाउ आई एम हेडिंग बैक टू होम। तो सोलो ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, ग्रुप में डेफिनेटली मज़ा आता है, बट ग्रुप की वजह से आपको प्लान कैंसिल भी करने पड़ते हैं। सोलो ट्रैवलिंग में आपके प्लान्स कभी कैंसिल नहीं होते। तो यही है, और पीछे कितना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। तो ठीक है, चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।